हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फोरम। आज के इस वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो बिल्कुल एग्जाम के टू द पॉइंट हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का जो एरर की जो हम लोगों की सीरीज चल रही है 150 क्वेश्चंस की, उसका ये तीसरा वीडियो होगा। आई होप आपने पीछे के दो वीडियो देख लिए होंगे। जो भी आपके सजेशन हैं, जो भी आपके स्कोर हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विद पावर टू स्पीक। यहाँ पे आपको एरर बतानी है। आपके पास चार ऑप्शन है। ग्रामर के हिसाब से कोई भी एरर अगर आपको लगती है तो उसे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है, अब देखते हैं यहाँ पे एरर क्या है। यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत ही कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और उससे रिलेटेड भी जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एज अ एग्जांपल करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, नेचर, देखिए इनको याद करने का भी तरीका बहुत अच्छा है। मैन तो उसके साथ वुमेन याद हो जाएगा, लाइफ का पेयर डेथ है और आर्ट का पेयर साइंस है। यहाँ से आपको ये वर्ड इजीली याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम इनको एक जनरल वे में, एक कॉमन वे में बात करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जो सभी मैन के लिए लागू होती है, या फिर वो बात, या फिर वो चीज़ सभी वुमेन के लिए कॉमन है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसा अभी तक आप लोगों को इतनी चीज़ ज़रूर पता चल गई होगी कि हम द का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी डेफिनेट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी डेफिनेट थिंग्स की बात करते हैं, और जब वो चीज़ सिंगुलर काउंटेबल होती है तो अकॉर्डिंग टू सेंस वहाँ पे ए या एन का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है, द मैन इज़ द ओनली क्रिएचर, मनुष्य ही एक ऐसा क्रिएचर है जिसको इंडोर्ड विद पावर टू स्पीक, इंडो के साथ हमेशा विद प्रपोजिशन का यूज करना, जिसका मतलब होता है प्रोवाइड करना, दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है, एक जीव है जिसको बोलने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ से पहली चीज़ तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ पता चल गई कि इंडो के साथ विद का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि कुछ इंसानों को दी गई है, कुछ इंसानों को नहीं दी गई है, कुछ पर्टिकुलर मैन है जिनको बोल सकते हैं, जो नहीं बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या है, इसका एक कॉमन वे में यूज कर रहे हैं। इसका मतलब मैन के पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगर हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए पार्ट, क्योंकि जो एरर है वो ए पार्ट में। इस पर रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम द का यूज कर सकते हैं, कैसे ए या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे दिया गया है, द वुमन इज मैन्स मेट। मेट मीन्स होता है जैसे आप क्लासमेट हो सकता है, रूममेट हो सकता है, यानी साथी के सेंस में हम मेट का यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल है कि मैन और वुमेन ही एक दूसरे के मेट होते हैं, कपल के सेंस में यूज़ करते हैं, कि ऐसा नहीं कि कुछ वुमेन कुछ मैन। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वुमेन का यूज़ भी क्या है, एज अ जनरल सेंस में किया गया है, इसलिए इसके पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ही इज द मैन हु हेल्प्ड माई यंगर ब्रदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, केवल इतनी इंफॉर्मेशन कि मैन और वुमेन के साथ आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, तो वो आपकी कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक हम डेफिनेट मैन की बात कर रहे हैं जिसने मेरे छोटे भाई की मदद किया। तो यहाँ से चीज क्लियर हो गई कि वो मैन क्या है, डेफिनेट है, और डेफिनेट के सेंस में हमें कुछ भी नहीं सोचना होता है कि वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, हमें किसका यूज करना है, द का यूज करना है, द का यूज किया गया है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस्टरडे आई सॉ अ मैन लाइंग ऑन द रोड, कल मैंने एक रोड पर पड़े हुए आदमी को देखा। यहां पे उस मैन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन है, तो द का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक जनरल वे पे कि नहीं कि हर आदमी वहाँ रोड पे पड़ा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे आर्टिकल को हटाना भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सेंस में यूज किया गया है, ए का यूज किया गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द एसी इज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ द साइंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, एसी यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट है कि जितने भी आपके साइंटिफिक इन्वेंशन होती है उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, किया गया है, इज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ साइंस होगा, क्योंकि साइंस, आर्ट, नेचर, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कब हमें ए या एन का यूज़ करना है, कब द का यूज़ करना है, और कब हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इस पे जो
प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं और आप लोग उस पर अपना जो भी ओपिनियन है उसको शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग हियर, येट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच्ड टू हिज वर्ल्डली पोजिशंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया गया, कह रहा है कि मैन मॉर्टल है। मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर, जिसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा तो नहीं कि कुछ मनुष्य है जिनकी होगी, कुछ की नहीं होगी। एक जनरल वे में है, किसी की पहले किसी की बाद में। बट ये डैम श्योर है कि जो मैन है वो क्या होगा, वो मॉर्टल होगा। अगर मॉर्टल होगा तो हम यहाँ पे जनरल सेंस की बात कर रहे हैं और जनरल सेंस में हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना। इसलिए इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है, मैन से पहले हम इस आर्टिकल को रिमूव करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं किसी अगले इंपॉर्टेंट एरर के साथ, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, सी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड द इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एरर बतानी है। एरर एक बहुत ही जेन्युइन सा कॉन्सेप्ट है, क्या कि कहीं किसी गेम या स्पोर्ट्स का नेम हो, लैंग्वेज या फिर किसी भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी हो सकता है, तो इनके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये क्या है, जनरल सेंस है। इस पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब भी किसी सब्जेक्ट या लैंग्वेज के पहले दा का यूज किया जाएगा तो उसका सेंस जरूर बदल जाता है। जैसे आपने फिजिक्स इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिल्कुल सही दिया गया है, अगर आपने द फिजिक्स बोला तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी और कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, इसका क्या होगा, भौतिकीय हिसाब। अगर आपने द मैथमेटिक्स बोला तो फिर वहां पे मैथ के सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, वहां पे क्या हो जाएगा, गणितीय हिसाब। तो यानी सेंस भी वहां पे चेंज हो जाएगा, तो इस चीज को भी हमें फोकस करना है। इसीलिए मैंने इस चीज को भी यहां पे मेंशन किया है कि जब भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज के पहले दा का यूज किया जाएगा तो उसका सेंस बदल जाएगा, इसका मतलब वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे सिंपल क्या है, लैंग्वेज की बात की गई है, हिंदी संस्कृत, तो इंग्लिश के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। आइए इस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो इसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहां पे मैथमेटिक्स के पहले दा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। सिंपली बोलेंगे मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, हिज फिजिक्स इज गुड। सेम कॉन्सेप्ट है, किसी भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट के पहले दा दिया जाए या कोई भी पजेसिव हो सकता है, पजेसिव में आपका हिज, योर, देयर कुछ भी होगा, तो वहां पे भी ये क्या होगा, प्लूरल में चला जाएगा और इसका सेंस क्या आएगा, हिज फिजिक्स, उसकी फिजिक्स अच्छी नहीं है। यहां पे सेंस क्या आएगा, उसका जो भौतिकीय हिसाब है वो अच्छा है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वर्ब प्लूरल लगानी है। आई होप आपको लैंग्वेज, सब्जेक्ट, गेम या स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, डेफिनेटली मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा किसी एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, द रॉबर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। सो फ्रेंड्स, इस एरर को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट, ETC, यहाँ पे जितने भी हैं, इनका एक जेन्युइन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब इनका जो मेन पर्पज है उसी पर्पज में यूज किया जाए, फॉर एग्जाम्पल स्कूल आपका स्टडी के पर्पज से उसी सेंस में यूज किया जाए, तो चर्च है प्रेयर के लिए होता है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए होता है, प्रिजन या जेल आपका पनिशमेंट के सेंस में होता है, तो जो इनका मेन पर्पज है, जब ये सारी चीजें अपने ही पर्पज पे, अपने मेन मोटिव में यूज होती हैं, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, जब इनका यूज एज अ बिल्डिंग किया जाए, जैसे आपने बोला कि पिछले साल मेरे गांव में सरकार ने एक स्कूल बनवाया, लास्ट ईयर द गवर्नमेंट बिल्ट अ स्कूल इन माय टाउन इन माय विलेज, तो वहां पे अभी पढ़ने का कोई भी मेन मोटिव ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है, वहां पे सिर्फ एज अ बिल्डिंग डिस्क्राइब किया गया है, तो उस सेंस में हम अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड हम AIN का यूज करेंगे। सिंपल है, डेफिनेट दा पे कुछ भी आपको फोकस नहीं करना। सिंपल है, अगर कोई चीज डेफिनेट सेंस में यूज की गई है तो उसके साथ हमें दा का यूज करना है।
तो यहाँ पे क्या किया गया है, द रॉबर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू स्केप फ्रॉम द जेल, यानी वो जेल से स्केप कर रहा है, यानी जेल का जो है अपने ही फंक्शन में, अपने ही मोटिव में यूज किया गया है, इसलिए जेल से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, द लास्ट ईयर द गवर्नमेंट बिल्ट अ स्कूल इन माय टाउन, यहाँ पे जो स्कूल है वो एज अ बिल्डिंग है, अगर एज अ बिल्डिंग होगा तो ए या एन का यूज कर सकते हैं, किया गया है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आई गो टू स्कूल डेली या आई गो टू द स्कूल में क्या डिफरेंस है। सेम वो चीज़ हम इसी कॉन्सेप्ट से डिस्क्राइब करने वाले हैं कि स्कूल का यूज जब उसके पर्पस में होगा तो हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना, अदर पर्पस से हम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप डेली स्कूल जा रहे हैं तो डेली आपके अदर वर्क्स नहीं हो सकते हैं, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन या अदर वर्क रोज नहीं होते हैं, डेली नहीं होते हैं, दैट मीन्स डेली वर्क यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि वो उसके मेन मोटिव में किया गया है, तो स्कूल से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट आई गो टू द स्कूल, ये बता रहा है कि स्कूल स्टडी के पर्पज से वो मैं नहीं गया, मैं नहीं वो उसके सेंस में आई का यूज मेन मोटो में नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे डेली वर्ड भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि गो टू स्कूल और गो टू द स्कूल में डिफरेंस क्या है। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, गो टू द स्कूल अदर मोटिव में और गो टू स्कूल स्टडी के मोटिव में यूज करेंगे। दिस क्वेश्चन है, द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल, इंजर्ड मैन है, अगर वो इंजर है तो इसका मतलब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाएगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल ही हैज अबैंडन्ड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड इज डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेल का जो सेंस है, यहाँ पे रिटर्निंग फ्रॉम जेल, जेल से वापस आने के बाद, दैट मीन्स वो वहाँ पे क्या था, बंद रहा होगा, कैद रहा होगा, उसी पर्पज में यूज किया गया है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल सही दे रखी है। आगे देखते हैं लीड अ सिंपल लाइफ, इस पे भी क्वेश्चन है, कहीं पे आपका लीड अ सिंपल लाइफ मिले या रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ, तो ये एडमेटिक यूजेस होते हैं, तो यहाँ पे ए आई एन का यूज जरूर होता है, ये चीज को भी आपको फोकस करना है कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी अदर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इस चीज को जरूर माइंड पे रखिएगा। सो फ्रेंड्स आई होप आपका जो भी आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो सारे लगभग हो गए हैं। इस पे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपके एडिशनल क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं या एडमेटिक यूजेस पे होंगे, वो सारी चीजें उस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, खुद बेनिफिट लें इसका और दूसरों को भी दिलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, सेव योर लाइफ।